सो अगला हमारा लेटर है, राइट ए लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर फ्रेंड फॉर द प्रमोशन। देखिए, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। सारे के सारे इसमें टॉपिक अपडेटेड हैं आपको, और जब भी आप उस लिंक से दोबारा डाउनलोड करोगे तो आपको अपडेटेड बुक मिलेगी पीडीएफ। बाकी जो पीडीएफ्स हैं और जो अपडेटेड बुक है वो .docx फाइल में है। तो बहुत ही कम प्राइस है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, गूगल पे करना चाहे गूगल पे कर सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि इमेजिनरी आपको एड्रेस कुछ भी नहीं लिखना है, इमेजिनरी नाम नहीं लिखना है। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा पूरा फॉर्मेट ऊपर से लेके डेट, डियर रोशन। सो ये क्या है, आपका एक फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल नहीं है ये। डियर रोशन, सो नाउ योर कंपनी हैज़ फाइनली रियलाइज्ड योर रियल वर्थ बाय प्रमोटिंग यू टू द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर। तो कितनी अच्छी तरीके से लाइन जो है वो स्टार्ट हुई है। सो नाउ योर कंपनी हैज़ फाइनली रियलाइज्ड योर रियल वर्थ बाय प्रमोटिंग यू टू द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर। इट वॉज रियली एन अनअलॉयड जॉय टू नो अबाउट योर प्रमोशन विच यू राइटली डिजर्व। इट इज़ अ पीस ऑफ वेरी हैप्पी न्यूज़ विच आई लाइक टू रिसीव। आई फील एज इफ आई माई सेल्फ हैव बीन प्रमोटेड एंड नॉट यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद प्रमोट हुआ हूँ। आई फील एज इफ आई माई सेल्फ हैव बीन प्रमोटेड से वर्ड इस तरीके से लिखा जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, आई फील एज, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद प्रमोट हुआ हूँ। इफ़ आई माई सेल्फ हैव बीन प्रमोटेड एंड नॉट यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एज माइट बी योर अदर फ्रेंड एंड रिलेटिव। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। एज माइट बी योर अदर फ्रेंड, जैसे कि तुम्हारे बाकी रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को हो रहा होगा। एज माइट बी योर अदर फ्रेंड्स, सो इस तरीके से आप सेंटेंस को थोड़ा सा बनाना सीखा करो। सो जैसे कि ऊपर है, इट वॉज रियली एन अनअलॉयड जॉय। अनअलॉयड का मतलब यहाँ पे क्या है, अनअलॉयड का एलॉय क्या होता है, एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ द टू और द मोर मेटल्स कंबाइनिंग इन अ स्पेसिफिक रेशो, डेट इज़ कॉल्ड एलॉय। सो अनअलॉयड मतलब बिल्कुल प्योर, बिल्कुल वर्जिन, सो बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। सो इट वॉज रियली एन अनअलॉयड जॉय टू नो अबाउट योर प्रमोशंस विच यू राइटली डिजर्व। लेट मी सेंड माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द हैप्पी ओकेजन। आई फील कॉन्फिडेंट डेट यू आर गोइंग टू बी अ बिग गन इन द फील्ड ऑफ, ये भी कितना अच्छा सेंटेंस है, आई फील कॉन्फिडेंट डेट यू आर गोइंग टू बी अ बिग गन इन द फील्ड ऑफ सेल्स प्रमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ योर कंपनी। इट आल्सो मीन्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंक्रीज्ड बर्डन। जब भी प्रमोशंस होती हैं तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप पर अब जिम्मेदारियाँ पहले से ज़्यादा होंगी और आप पर भार बढ़ेगा। कीप अप द हार्ड वर्क, आप अपना जो हार्ड वर्क है वो करते रहिएगा और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। आई नो यू लाइक चैलेंजिंग जॉब्स, मुझे पता है कि आपको चैलेंजिंग जॉब्स पसंद हैं। एंड दिस प्रमोशन प्रोवाइड्स यू विद द थ्रिल ऑफ चैलेंजेस यू सो रेलिश। और ये जो प्रमोशन हुई है आपकी, तो ये आपको वही चैलेंजेस के जो थ्रिल के साथ आपको जो है वो प्रोवाइड की जाती है। प्रोवाइड्स यू विद द थ्रिल ऑफ चैलेंजेस यू सो रेलिश, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े खूबसूरत तरीके से आप इन चैलेंजेस के थ्रिल को ले पाएंगे जो प्रमोशन आपको दी गई है, क्योंकि आपको चैलेंजिंग जॉब्स बहुत पसंद हैं। प्लीज़ राइट टू मी एज हाउ यू फील ऑन दिस एडवांसमेंट इन योर करियर। सो मुझे भी बताना कि अपने करियर में जो आपको एडवांसमेंट मिला है आपको कैसा लग रहा है। विद बेस्ट विशेज फॉर मोर सच प्रमोशंस एंड सक्सेस योर सिंसेयरली, यहाँ पे अपना नाम दे दीजिएगा अगर दिया हुआ है। अदरवाइज़ अगर कुछ भी नाम मेंशन नहीं है सो आपको एक्स वाई जेड और ऊपर आपको डियर PQR इस तरीके से लिख देना है, आपको कोई UFM नहीं मिलेगा। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है अगर आप लेना चाहें। अपडेटेड बुक अगर आप सेम लिंक से दोबारा डाउनलोड करोगे कभी भी आपको अपडेटेड बुक मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।